कोरोना के इस दौर में जहां डॉक्टर्स को सेवाएं देने के लिए सबसे आगे आना चाहिए, वहीं डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। प्रदेश भर के तमाम सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी आज नहीं देखी जा रही है। लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर डॉक्टर हड़ताल पर गए, उसी सवाल को जानने के लिए आज हम सीधे पहुँचे हैं सामान्य अस्पताल बहादुरगंज में। नागरिक अस्पताल के सिक्के डॉक्टर्स को इतने भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, नारेबाजी हुई सरकार से। HCMS लगातार बातचीत करती रही है, लेकिन इनकी बातों को लेकर सरकार ने कभी सकारात्मक रूप में हड़ताल की आज की हुई सरकार ने बातचीत चल भी रही है, लेकिन उस बातचीत का अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। और डॉक्टर्स ने अपनी चेतावनी ये भी दे दी कि दो दिन के बाद ये संपूर्ण हड़ताल हो जाएगी। और जिस तरीके से आज इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं इस हड़ताल के बावजूद जारी, वो भी बंद हो चुकी है। HCMS एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर ममता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। पहले तो दूसरे मुद्दे जानते हैं, उसके बाद दूसरी बातें करेंगे, क्योंकि कोरोना भी काफ़ी तेजी से इस वक्त फैल रहा है। इस तक हड़ताल का रीजन हड़ताल का हमारी लॉन्ग टाइम पेंडिंग डिमांड के निर्माण की, और PG पॉलिसी जो पुरानी हमारी थी जिसमें 40% सीटें जो है HCMS के डॉक्टर्स के लिए रिजर्व, तीसरा डायरेक्ट SMO की भर्ती पर रोक की बात, ये हमारी पीजी है। आपकी इन मांगों को लेकर पहले भी बातचीत का दौर चला था, आप लोगों ने एक बार पहले भी वक्त सस्पेंड किया था, उसकी बात कुछ माना नहीं? हाँ, इसके बाद उन्होंने हमें ये समय दिया था कि 31 दिसंबर तक मैं HM साहब ने हमें ये प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी आप लोगों की सारी मांगें पूरी कर दूंगा, और अगर नहीं होंगी तो आपके साथ दरी लेके बैठूंगा। लेकिन अभी तक कोई ठोस कागज इस बारे में नहीं है। बातचीत का बुलावा आया सरकार की तरफ से कल रात को 8-9 बजे बुलावा आया था, तो उस टाइम को सब जैसे जो हमारे प्रधान जी थे वो वापस पंचकूला से रोहतक आ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आज का जो निर्णय है वो वहीं का वहीं रहेगा और फिर हम बातचीत के लिए जाएंगे अगर आज या कल जब भी बुलाएंगे। वर्तमान हालात को देखते अगर बात करेंगे कोरोना के मरीजों को कौन देखेगा, फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट का होना ICU में अगर आप मरीजों को देखेंगे। आज की डेट में जिला झज्जर में भादरगढ़ और सिविल हॉस्पिटल भादरगढ़ और सिविल हॉस्पिटल झज्जर में एक भी फिजिशियन नहीं है। तो हम भी तो सरकार से यही मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा स्पेशलिस्ट कैडर बना के ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट भर्ती करें ताकि आम जनता का इसमें फ़ायदा हो। बिना फिजिशियन के कोरोना के मरीजों को देखने का क्या उचित है, वो तो आज भी नहीं हॉस्पिटल में फिजिशियन नहीं है। MO एक जनरल प्रैक्टिशनर की भूमिका निभा सकता है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट का रोल निभा स्पेशलिस्ट की भर्ती में भी आप लोगों ने बताया कि उसका अलग कैडर बने, कोई भर्ती अलग कैडर बने ताकि उसका जो कैडर का बनने का उचित है यही होता है कि जितनी फोर्स होगी उसके हिसाब से अगर मेडिसिन की खाली होगी तो मेडिसिन की होगी, अगर बदली भी होगी तो वो उसी लेवल पे होगा, उससे ज़्यादा भला होगा। अगर बात आई उस स्थिति में हमने 12 और 13 का उनको समय दिया हुआ है कि भाई आप हमारी मांगों को फिर से इस पर ध्यान दें, और हमें लगता है कि सरकार जरूर ध्यान देगी, लेकिन अगर फिर भी अगर सरकार इनको नहीं मानती है तो 14 से संपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। अगर ये अगर बहुत खतरनाक है, आप समझ लीजिए कि अगर 14 से तमाम डॉक्टर्स पूर्ण हड़ताल पर चले गए, अनिश्चितकालीन वो हड़ताल रहेगी, यानी कि उसकी कोई टाइम स्थिति तय नहीं है, वक्त तय नहीं होगा कि वो हड़ताल कब तक रहेगी। तो कोरोना के इस दौर में अगर जान बचाने वाला हड़ताल पर कितनी जाने जा सकते हैं, आप दूसरे डॉक्टर भी हमारे साथ हैं उससे जाने से हड़ताल की मजबूरी क्यों नहीं, जो पेशा और लोगों का कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप है, डॉक्टर सेवा करता है, लेकिन जान बचाने वाला है ज़्यादा जरूरी है। देखो मैं तो एक का बात कहना चाहूँगी, हमारे प्रेसिडेंट मैडम ने सब कह दिया ठीक है, इन चक्कर बाढ़ होया कर है, बाढ़ तेन कह दिया कर भाई तू फर्स्ट आ जा, तेना घड़ी दे देंगे, तेना साइकिल दे देंगे ठीक है। तुम्हारे डॉक्टर ने कोरोना में इतना काम कर दिया, मैंने लगा फर्स्ट आ जाओ हमारे डॉक्टर, ये मारी तो मुख्यमंत्री तय HM साहब तय सब तय सर तय सब तय हाथ जोड़ का यो विनती है कि जो हमारी मांगे है ना उसने पूरी करे, और मारता भी प्राइज दे दे कि हम भी फर्स्ट आ गए।
नहीं, कोरोना के इस दौर में फर्स्ट नहीं, आप लोगों की मेरिट आई है और आप लोग डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। अब उस डिस्टिंक्शन में आया जो कहते हैं इनाम, हरियाणा में इनाम बोल दिया, तो आपके घर वाले की सरकार है इनाम? देखो हमारे घर वाले तो सरकार है, हमारे माई बाप तो सीएम साहब और एचएम सर ही है। अब वो हम तो बालक तो अपने माँ बाप को ही कह गए, मारे में सरकार सरकार हो गए, हमारे माँ बाप को हो गए, तो उनने मारता देना चाहिए कि हम अपना कि वो नौ बालक भी नाराज हो जाए करे कदे कदे, भाई मैंने तो आज पापा लेकर आए थे जब बार रोटी खाऊंगा, तो ये उसने भी मारी समझनी चाहिए भी बालक है, इनने दो तीन साल हो गए रात दिन लाग रहे हैं, रात की ड्यूटी दिन की ड्यूटी, कितने बालक चले भी गए हमारे साथ के, लेडीज भी जेंट्स भी कोविड में कितना काम करा सबने, बट इग्नू है बस हाथ जोड़ का यो एक गुजारिश है कि भाई हमारी सबका मान सम्मान रखे सरकार और हमने हमारी मांगे पूरी करी। सरकार मान क्यों नहीं रही, हड़ताल तो आप लोग बार बार चली रही है। थोड़ा सा आगे आ जाइए मैम, थोड़ा सा आगे। इन डिमांड्स को जायज को बता रही है, वो ये नहीं कह रही है कि आपकी डिमांड्स जायज नहीं है। अब ये कहाँ पेज फंसा हुआ है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। एचएम साहब ने कहा था आप लोग ठीक मांग रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं 31 के बाद गरीबों के तुम्हारे साथ ही बैठी हूँ, तो आप हम उन्हीं को बोल रहे हैं क्योंकि आज जब गरीब पे बैठने का समय आया तो आप आइए या तो हमें वो दे दीजिए जिसका हमें प्रॉमिस किया था या हमारे साथ। थोड़ा सा आगे आ जाइए। डॉक्टर्स की मांग ठीक है, सही है, सिर्फ विवाद कहाँ उठा है, सरकार के सामने पेश क्या है, सरकार के सामने समस्या क्या है, सरकार सीधा सीधा एचसीएम सेक्रेटरी के साथ बैठकर बातचीत क्यों नहीं करती है, सरकार क्यों नहीं बता पा रही कि इनकी मांगों को पूरा करने के पीछे पेंच आखिर फंसा कहाँ, कहीं कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं, कहीं कोई दूसरा इश्यूज तो नहीं। तमाम इन डॉक्टर्स को अगर सरकार की समस्या का ज्ञान हो तो लोग उसकी दूसरी तरफ सोच सकते हैं क्या, उसको फोन भी हमारे साथ उनसे बस कर लेते हैं। दूसरा वक्त ना मेरी एक ही चीज़ है, आप देखिए कोई भी विभाग ऐसा है जिसमें हर साल 1000 वैकेंसी निकलती है, 3000 पोस्ट है, हर साल 1000 वैकेंसी निकल क्यों निकलती, क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो 1000 वैकेंसी हर साल निकालता है। और बड़े लोग क्यों क्यों छोड़ते हैं, इसकी दो तीन वजह है। एक मेडिकल अफसर एक स्पेशलिस्ट की सैलरी एक जैसी है, एक हाईली जो पेड होता है स्पेशलिस्ट होता है वो क्यों रुकेगा आपके साथ, क्यों आपके सरकारी हॉस्पिटल में काम करेगा। दिल्ली बिहार कितना डिफरेंस है डॉक्टर साहब, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें और सरकार की? नहीं नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम जो जेन्युइन है उसकी मांग कर रहे हैं। और ऐसा भी कोई नहीं है, इसके दो फायदे हैं। सर्विस में होते हुए अगर हमारे पास आज यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, हम मैं अपने आप को अगर मुझे किसी फिजिशियन को बड़े डॉक्टर को दिखाना हो तो मैं नहीं दिखा सकता, मैं अपने रिलेटिव को नहीं दिखा सकता। अपने आप में एक गुणवत्ता का आधार है, स्पेशलिस्ट का होना गुणवत्ता का आधार है। और तीनों पॉलिसी जो तीनों मांग है हमारी, पहले डायरेक्ट स्पेशलिस्ट को बढ़ाती है, डायरेक्ट स्पेशलिस्ट कैटर वो प्रमोट करेगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो पिछले समस्या देखी थी आपने भी कहा कि डॉक्टर छोड़ के चले जाते हैं, वो भी पे स्केल का डिफरेंस है प्राइवेट और सरकारी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर का हमेशा तरजीह देता है आपको, कि प्राइवेट डॉक्टर हाईली पे प्राइवेट का मुकाबला नहीं कर सकते, प्राइवेट अपना अलग है ठीक है, लेकिन जो एक मेडिकल अफसर जो एक MBBS होता है और एक स्पेशलिस्ट उसके बीच में उसको उसकी व्यर्थता तो मिलनी चाहिए। एक मेडिकल अफसर जो आता है जो आज स्पेशलिस्ट समान समान तनख्वाह नहीं तो कम से कम सम्मान तो उतना ही सम्मान। और दूसरी बात ये है कि आप है ना PG पॉलिसी है, जैसे 40% स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहले सर्विस में जो होता था वो बनता था, उसके साथ एक बॉन्ड होता था, तो उसकी रुकना उसकी एक मजबूरी होती थी या फिर उसको पालन करना होता था उस चीज़ का। तो हमारे पास स्पेशलिस्ट होते थे, हर साल का एक पैटर्न था कि 70 स्पेशलिस्ट नहीं आएंगे, हो सकता है कुछ छोड़ जाएंगे कुछ नहीं आएंगे, वो सरकार से हमारी दोबारा रिस्टोर करने की मांग है ताकि यहाँ तो अब क्या चेंज कर दिया उन्होंने, अब वो पॉलिसी हटा दी गई, अब वो पॉलिसी को दोबारा से बहाल करने की अब है ही नहीं। अब PG पॉलिसी मार्क्स के आधार पर, मार्क्स के आधार पर क्या होता है कि आपको जनरल में फाइट करनी होती है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं उस चीज़ के। लेकिन आप देखो दो साल हो गए, मतलब जो रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर को है वो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। तीनों ही मांगे कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट और जो एक होता है ना कि आप जो जब कोई बच्चा MBBS करता है तो बाहर आके एक दो कैरियर देखता है, तो तीनों ही मांगे इसलिए हैं क्योंकि हरियाणा को लोग जस्ट नहीं, आप 20 किलोमीटर दूर दिल्ली में डॉक्टरों की भरमार है, हर तरह के डॉक्टर भी यहाँ भूमि थोड़ी ना बदल जाती है, तो वो चीज़ का स्ट्रक्चर होता है सैलरी का प्रमोशन का वो सारी चीज़ें भी हमारी मांग है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी है ये सब जानते हैं, सरकार भी मानती है और उन डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए ही अभी पिछले दिनों MO की भर्ती का नोटिस भी निकाला गया। लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में डॉक्टर्स को तरजीह नहीं दी जाएगी, जो PG पॉलिसी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो MBBS करने के बाद MO लगते थे उनको PG करने के लिए एक कोटा होता था निर्धारित, उस कोटे में बदलाव कर दिया गया है और नई पॉलिसी लागू की गई,
जिसको लेकर डॉक्टर्स नाराज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो एमओ भर्ती हुए सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, मरीजों को देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उनको छोड़कर सीधे एसएमओ की भर्ती की जा रही है, वो गलत है। उन डॉक्टर्स को प्रमोशन में आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर ये डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। उम्मीद ये करते हैं कि सरकार के साथ आज इनकी बातचीत सकारात्मक रहे और कोरोना के इस दौर में डॉक्टर हड़ताल पर बैठने की बजाय मरीजों को देखें, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो ऐलान कर दिया है कि आज की हड़ताल इशारा है, दो दिन फिर डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे और 14 तारीख से पूर्ण हड़ताल पर चले जाएंगे। जिस हड़ताल के खत्म होने की न कोई तारीख होगी, न कोई समय सीमा होगी। इसलिए सरकार से गुजारिश इतनी ही है, कोरोना के इस दौर में डॉक्टर्स से बात करें और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाले, ताकि मरीजों का अनुमान, आम आदमी का अनुमान मरीजों को देखने का काम कर सकें। रवि कुमार, पंजाब की।